Thank you ये एक बहुत ही मज़ेदार खिलौना है इसमें हम करीब ग्यारह लेते हैं पाँच इंच लंबी या चार इंच लंबी कीले लेते हैं और उनको एक एक खास तरह से आ, सजाते हैं जिससे उनको उठा करके हम एक टेक पे संतुलित कर सकते हैं और ये खिलौना बहुत ही अश्वर्ज भरा है क्योंकि आश्चर्य होता है कि इतनी सारी कीले एक ही बिंदु से किस तरह से संतुलित होकर टिक सकते हैं तो पहले देखते हैं खिलौना है क्या इसके लिए हमको एक स्टैंड चाहिए और स्टैंड क्या है एक लकड़ी का छोटा सा गुटका है एक लकड़ी का टुकड़ा है और जिसमें हमने एक चार इंच लंबी कील को मध्य में ठोक दिया है तो ये बिल्कुल लंबवत खड़ी हुई है उसके बाद में हम इसी तरह की कुछ और कीले लेते हैं एक कील को बिल्कुल सीधा रखा दूसरी को उसके आड़े रखा जिससे उसका मत्था इसके बाएं हाथ को हो तो दूसरे का दाएं हाथ को हो एक का मत बाएं हाथ को तो दूसरे का दाएं हाथ को इस तरह से इस क्रम में इन कीलों को सजाते जाते हैं एक बाएं तो दूसरा दाएं, एक बाएं तो दूसरा दाएं। अब हम देख रहे हैं कि इस तरफ भी चार कीले हैं और इधर भी चार कीले हैं और ये जो कील थी हमारी सीधी कील इसका सिर इस तरफ है तो दूसरी कील का हम जो धार वाला सिरा है वो उस तरफ रखेंगे अब ये दोनों जो सीधी कीले हैं इनको हम हल्के से उठाएंगे इनको हल्के से उठाएंगे और जो स्टैंड के ऊपर जो खड़ी कील है उसके बीचों बीच इनको टिकाने का प्रयास करेंगे अभी आपने देखा कि एक कील गिर भी गई पर यह एक बहुत ही सुंदर सा एक तरफ चार कीले हैं एक तरफ तीन कीले हैं पर उसके बाद में भी ये थोड़ा सा संतुलित है और इस तरह इस प्रकार ये आप इस मॉडल को ये इस तरह से एक ऐसा लगता है जैसे एक छत हो और छत का ये तो एक खंबा है और उसमें इस तरह से बल्लियां जो हैं वो सिर्फ़ एक टेक पे टिकी हों आपको ये दिखाई दे रहा है जो ऊपर वाली कील है इसमें बाकी कीलों के जो मत्थे हैं उनके सिर हैं वो फंस जाते हैं एक तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से ये टिका रहता है इसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं चला सकते हैं ये खिलौना संतुलन का खिलौना किस सिद्धांत पर आधारित है इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो मेरी उंगलियों को देखिए ये मेरी उंगलियां हैं दोनों हाथों की उंगलियां हैं इनको मैं इस तरह से फंसा सकता हूं हु? पर ये फिर अलग अलग हो जाएंगी पर अगर इनके बीच में मान लीजिए अगर मैं एक पेंसिल को ये देखिए अगर इन दोनों के बीच में इस तरह से अगर एक पेंसिल फंसी हो और अगर मेरे पूरे जो मेरे उंगलियों के जो सिरे थे पूरे अगर वहां पर मत्थे होते तो वो इसमें फंस जाते थे इस तरह से अब वही आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर भी जो इसके मत्थे हैं जो कीलों के मत्थे हैं वो जो ऊपर वाली कील है उसमें फंसे हुए हैं और गिरते नहीं तो एक तो इस तरह का इसमें एक फंसाव जिसको हम इंटरलॉकिंग भी कहेंगे एक तो इसके पीछे ये सिद्धांत है और दूसरा कभी आपने कभी आपने सर्कस में देखा होगा या कभी किसी नट को देखा होगा कि वो रस्सी पे चल रहा है और उसके हाथ में एक बांस है और वो बांस को पकड़ करके अपना संतुलन बरकरार रखते हुए एक रस्सी पे एक तनी हुई रस्सी पे चल पाता है तो उसका एक कारण यह है कि यहां पर जो है ये कीले एक ऐसे कोण पे आई हैं इस खिलौने में कि इनका जो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो थोड़ा सा नीचे की ओर है हम अक्सर यह देखते हैं कि किसी वस्तु का अगर नीचे का हिस्सा भारी होता है वो ज्यादा पायदार होती है ज्यादा संतुलित होती है कई आपने खिलौने देखे होंगे कि अगर उसको खिलौने को घूसा मारो तो वो फिर दोबारा वापस आता है क्योंकि उसका पेंदा भारी होता है ज्यादा पायदार होता है इसमें भी कुछ कुछ ऐसा है कि ये कीले एक ऐसा कोण लेती हैं कि इसके संतुलन का बिंदु कुछ थोड़ा सा नीचे होता है इस दूरी के नीचे होता है उसकी वजह से भी इस खिलौने को हिलाने पर भी देखिए इसका संतुलन बरकरार रखता है अब यही इसका सिद्धांत है एक चीज इसमें और गौर करने वाली है कि इसमें एक कील तो खड़ी है और उसके बाद में हमको कुल मिलाकर के असम संख्या की कीले चाहिए अगर चार इधर हुई तो चार इधर लगा दी आठ हो गई एक ऊपर एक नीचे दस और एक खड़ी यानी ग्यारह किले पर दूसरी बात हमने यह भी देखी अगर असम ना भी हो क्योंकि एक तरफ तीन ही किले एक तरफ चार किले हैं उसके बावजूद भी यह व्यवस्था जो है वो टिकाऊ है वो टिकी हुई है और अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से संतुलित है इसमें हमने एक लकड़ी के गुटके का आधार बनाया था इसकी बेस जो है वो एक लकड़ी का गुटका था जिसमें हमने एक कील ठोकी थी